कम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लोब माई सेल्फ शोभा सिंह योर एस एस टी टीचर डियर स्टूडेंट्स आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसमें इसका ये सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सेंड कर दिया था पोस्ट कर दिया है मैंने अगर आप लोग को उसका लाइक लिंक मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मिला तो आप मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा मैसेज मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी ओके सो so, इस पार्ट में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है आ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सेकुलरिज्म की हम बात करेंगे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्यों है हम इसकी बात करेंगे और साथ ही इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे कैसे बना क्या बना और सेपरेटिज्म ऑफ पावर पावर को जो शक्तियाँ दी गई थी विभिन्न दिपार्ट, डिपार्टमेंट्स को विभिन्न लाइक जो हमारे पार्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उसको कैसे सेपरेटाइज किया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फेडरलिज्म के बाद बारे में बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है किस टाइप से है वो हम बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन्स ने आ, हमारे सिटीजन्स को जो प्रोवाइड किए हैं व्हाट इज राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है वो और आ, कौन कौन से राइट्स हमको दिए गए हैं वो भी हम स्टडी करेंगे तो चलिए हम इसके सेकंड पार्ट को जो है वीडियो हमारे चैप्टर के हम उसको स्टार्ट करते हैं बिफोर दिस वन रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ अगर इसमें कोई कंजूसी मत करिए सब्सक्राइब करने में ताकि आपको ईजिली मेरे दूसरे जो कंटेंट जो वीडियो हैं जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो ईजिली आपको मिल जाए और लाइक आप एंड में करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर का टाइटल क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इसका पार्ट वन में बाकी मैंने सब कुछ बता दिया था स्टार्टिंग वाला नाव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी और इसमें कौन कौन चेयरमैन रहे थे और फर्दर uh, जो इसका है वो हम स्टडी करेंगे तो चलिए फर्स्ट जो मीटिंग थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वॉज हेल्ड इन नाइन्थ सेप्टेब नाइन्थ दिसंबर नाइन्टीन फोर्टी सिक्स नाइन्टीन फोर्टी सिक्स में वो मीटिंग हुई थी और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन टू प्रिसाइड द मीटिंग मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए उसके लिए डिसाइड uh, करने के लिए जो पूर्व जो उसका निश्चित निश्चित करने के लिए इन्होंने जो चेयरमैन हाल फिलहाल के लिए जो चेयरमैन बनाया था वो बनाए थे डॉक्टर सचिदानंद uh, सिन्हा जी को का नाइन दिसंबर 1946 में ओके okay, नेक्स्ट uh, जो सेकंड मीटिंग हुई थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हुई थी कब इलेवन दिसंबर 1946 को यही ईयर था यही मंथ था बट आफ्टर द टू थ्री डेज इलेवन दिसंबर को हमने किया था इन विच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉस इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरमैन यहाँ पर तो एक्चुअली मीटिंग को प्रिसाइड करना था सो डॉक्टर सचिदानंद को बनाया गया था बाद में परमानेंट इलेक्ट हुए चेयरमैन जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे So, जो प्रेसिडेंट थे जो परमानेंट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माने चेयरमैन डॉक्टर ड्रा, राजेंद्र प्रसाद थे तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे और उस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए उसका जो खाका तैयार करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ओके स्टूडेंट्स ना मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग को जो हमारे जो कमेटी थी उनकी बातों में कहीं ना कहीं लाइक वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उससे वैरी कर रहे थे तो उन्होंने फिर क्या किया कि सिक्सटीन जुलाई 1947 का विड्रॉ कर दिया उस कमेटी से वो अलग हो गए और उन्होंने एक सेपरेट असेंबली बनाई फॉर पाकिस्तान के नाम से तो कि वो पाकिस्तान को एक अलग उनको हिस्सा चाहिए था और उन्होंने एक अपनी अलग कमेटी बनाई कि वो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनेगा एंड नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ़ उसके मेम्बर्स अब कितने लगे थे टू नाइन्टी नाइन जो है टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स थे उसके और जो कम्प्लीसन जो कम्प्लीट होने में जो कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीट होने में टाइम लगा है जो ड्यूरेशन लगा है वो है टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो उसमें जो कम्पलीटेड होने में उसको कम्प्लीट होने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है टू ईयर्स एलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ है पास डॉन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन को पास हुआ ठीक उसके एक साल बाद केम इनटू फोर्स उसका जो इम्प्लीमेंट हुआ जो उसको जो इम्पोज़ किया जो उसको लागू किया वो कब हुआ वो फोर्स में कब आया ट्वेंटी सिक्स जनवरी 1950 फिफ्टी को तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर है इंडिया इंडिपेंडेंट जो हुई 1947 में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था बहुत बड़ा स्ट्रगल झेला था इंडियंस ने उसके बाद 1947 में उन्हें फ्रीडम मिली अब उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था उसे कंप्लीट किया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला डिवाइड एंड रूल के थ्रू तहत तो उन्होंने इंडिया को जो है डिवाइड किया एक तरह से उन्हीं का ही पूरा कार्य था कि वो इंडिया को डिवाइड किया जिसमें मुस्लिम्स आ, कंट्री अलग बनाई पाकिस्तान और इंडिया उसमें इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को आ, फ... कहा कि वो चाहे तो इंडिया में चले जाएं चाहे तो पाकिस्तान में चले जाएं तो इस तरह से जो है कि चीज़ उन्होंने की और फिर इंडिया जो है लैंड विथ डाइवर्स लैंग्वेज का था रिलीजन एंड कास्ट ड्रेस एट माने हमारे इंडिया में भी विभिन्नताएँ कई तरह की थी भाषा की विभिन्नता धर्म की जाति की प्रजाति की हैं और फूडिंग स्टाइल हमारा अलग है हमारा कल्चर हमारा डिफरेंट है मतलब कई तरह के कल्चर के लोग इसमें रहते हैं तो इस तरह से हमारे डाइवर्सिटी वाला जो इंडिया है सो so, किसी तरह से भी ये जो कंप्लीशन हमारा हुआ और जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के एम इंटू फोर से नाइनटीन में आया 1950 में वो जनवरी 26 को इम्प्लीमेंट हुआ और लागू हुआ फ्रेंड्स so, अब हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का की फ़ीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या मुख्य विशेषता हैं क्या उसके फ़ीचर्स हैं है ना क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखना है तो फर्स्ट जो है सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया स्टेट्स को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है फर्स्ट है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव देन जुडिशियरी सो इस तरह से पावर को जो है सेपरेट uh, किया गया है तीनों विभागों में तीनों ही कैटेगरी में पहला जो लेजिस्लेचर है वो उस उसको हम क्या कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं लेजिस्लेचर को इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं और इंडियन जो पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया का जो जो ये पार्लियामेंट है है इसमें क्या क्या, क्या कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड टू उसमें हैं। और जो टू उसमें और हाउस वो कौन कौन से लोकसभा और राज्यसभा तो इस तरह से हमारा लेजिस्लेचर की बॉडी है जिसमें पार्लियामेंट जिसको कि हम पार्लियामेंट कहते हैं पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है और टू हाउसेज होते हैं फर्स्ट वन लोकसभा सेकेंड वन इज राज्यसभा नाउ द एग्जीक्यूटिव फर्स्ट की लेजिस्लेचर आखिर करते क्या है ये भी मैं बता दू लेजिस्लेचर का वर्क बहुत बड़ा है सिंपली uh, आप इतना समझें कि वो जो लॉज बनाते हैं जिससे कि गवर्नमेंट रन करती है गवर्नमेंट चलती है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट का रूप है गवर्नमेंट का ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव वो जो लेजिस्लेचर जो भी लाइक uh, लॉज like, uh, बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना उसको अप्लाई करना उसको लागू करने का काम क्यों करता है एग्जीक्यूटिव करती है और साथ ही uh, इस, इसके uh, ये गवर्नमेंट रन करती है और जुडिशरी जो, जो है जुडिशरी डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करती है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दर जो दायरे में आते हैं उन जो मैटर्स जो डिस्प्यूट्स आते हैं जो विवाद आते हैं उनको सेटल करने का काम करती है उनका निपटारा करती है इंडिया में पावर का सेपरेशन इस रूप में भी किया गया कि जो फेडरलिज्म जो बनाया गया फेडरलिज्म जो है इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जितनी भी पावर्स हैं वो केवल सेंट्रलाइज होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, नहीं रहेंगी पावर का डिवीज़न क्या है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स में मीन्स कि जो पावर हैं वो पावर जो यूनियन गवर्नमेंट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट्स में पावर रहेंगी और ये दोनों ही अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहेंगी और इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कुछ वो हस्तक्षेप एक दूसरे के कार्य में नहीं कर सकती हैं कुछ लिमिट्स भी दिए गए हैं सो so, इस हिसाब से फेडरलिज़्म की जो धारणा जो है फेडरलिज्म सिस्टम जो है वो भी हमारे इंडिया में अप्लाई किया गया है नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यस अब हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी आ, अप्लाई किया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा है सो so, लोकसभा में जो है पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं चुनाव करते हैं वोटिंग के थ्रू वो उनको इलेक्ट करते हैं और जो जो लीडर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पीपल के बिहाफ में गवर्नमेंट में कार्य करते हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हैं और राज्यसभा मतलब डायरेक्ट कहना चाहिए डायरेक्ट जो है उनका सिलेक्शन इलेक्शन होता है और राज्यसभा का जो है जो उसके जो मेम्बर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं कुछ राज्यों में जो है विधानसभा है और कुछ में विधान परिषद है जो विधानसभा है उनके मेंबर भी जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं और दूसरी तरफ जो है विधान परिषद वो जो है जस्ट लाइक राज्यसभा राज्यसभा की तरह ही है अब है वेलफेयर नंबर फोर्थ वेलफेयर स्टेट्स इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो हमारे कंट्री के जो पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए उनके अपलिटमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करती है उनके लिए पार्क उनके लिए पार्क का बनवाना और जो लाइब्रेरी है पार्क्स हैं लाइब्रेरी है, लाइबरेरी है ला, पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना जो प्योर वाटर जो है उसकी व्यवस्था करना वाटर अवेलेबलिटी फॉर इरिगेशन डैम्स ये सब चीज़ें जितनी भी वेलफेयर कार हो सकते हैं वो सब जो है इंडियन गवर्नमेंट करती साथ ही जो वन वन्र, सेक्शन जो है हमारा एस सी जो हैं है ना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स उनके अक्विपमेंट के लिए उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती है वुमेन्स वेलफेयर के लिए वुमेन वो, सॉरी वुमेन वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है महिलाओं का भी उत्थान का कार्य करती है तो इस तरह से वेलफेयर गवर्नमेंट का रूप भी हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूप होता है इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज भी हमें सिटीजन्स uh, को प्राप्त हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी सेवन फंडामेंटल राइट्स की uh, ये इसमें जो इंक्लूड किया गया उन्होंने कि राइट टू इक्वालिटी जो है है ना जो फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी राइट टू एजुकेशन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कि कोई आपका एक्सप्लोइ नहीं कर सकता उसके खिलाफ भी हमें अधिकार प्राप्त है अगर किसी ने किया तो हम उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं और आज़ादी से रहने का हमें अधिकार है समानता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हाँ अपने रिलीजन को अपने धर्म को फॉलो करने का भी हमें अधिकार है और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हमको है हम हम राइट टू एजुकेशन एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी हमें अधिकार प्राप्त है कि अगर कहीं कुछ हम वो होता है तो हम उसके खिलाफ भी हम उसमें सुधार कर सकते हैं

जा सकते हैं हमको जुडिशरी से हमें न्याय व्यवस्था से उसका संरक्षण संड़, प्राप्त है नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म सोशलिस्ट सरकार जो है हमारे गवर्नमेंट की है सो so, सेकुलरिज्म इस वे में कि हमारे स्टेट uh, की इंडियन स्टेट की हमारे भारत की कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने की मंशा नहीं है ना ही वो कोई फॉलो करता हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी धर्मों के समान अधिकार प्राप्त है सभी धर्मों के समान लाइक स्टेटस प्राप्त है किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं और पॉलिटिक्स को और रिलीजन को अलग रखा गया है एंड सोशलिस्ट जो है सोशलिस्ट इस वे में कि इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट हमेशा आ, जो सिटीजन्स हैं उसकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल होने के लिए प्रतिबद्ध है उनकी हर एक जो बेसिक नीड्स हैं जरूर जरूर जो हैं वो पूरी की जाती हैं तो इस तरह से सेकुलरिज्म एंड सोशलिस्ट जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट है नेक्स्ट जो फीचर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि भारत का कोई भी एक धर्म को पालन नहीं करेगा वो समस्त धर्मों को मानने वाले लोग हैं भारत में उनको समान अधिकार समान दृष्टिकोण और समान जो है स्टेटस प्राप्त होगा और सोशलिस्ट इस वे में उसमें मैंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारतीयों की जो बेसिक नीड्स हैं इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको पूरी की जाएँ नेक्स्ट है डिटेल्ड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो डिटेल्ड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जिसमें से 395 आर्टिकल्स हैं 395 के आर्टिकल्स में 12 शेड्यूल्स हैं जिन्हें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसमें 395 में से सेवन तो जो है हमारे अमेरिकन uh, uh, article, जो आर्टिकल्स है अमेरिकन आर्टिकल्स में से अमेरिकन uh, कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल लिया गया है थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स में सेवन आर्टिकल्स जो लिया गया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया वन फोर्टी सेवन जो है कैनेडियन uh, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और वन हंड्रेड ट्वेंटी एट जो आर्टिकल्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल जुडिशियरी जो है स्वतंत्र है इंडिपेंडेंट है और साथ ही इम्पार्शल निष्पक्ष है हमारे जुडिशरी सिस्टम जुडिशरी सिस्टम में हमारा जो जुडिक्शन जो है उसको ये पावर है कि वो जो है जो लेजिस्लेचर जो है जो भी कानून बनाता है जो भी लॉज बनाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर पास करता है सो so, एग्जीक्यूट करने के लिए और डिक्लेयर करता है लॉज को और ऑर्डर को उसको वो जो सॉरी लॉज को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसको जुडिशरी जो, जो है वो उसको नल कर सकता है वो उसको अवॉइड कर सकता है उसको वो जो है आ, हटा सकता है अगर अगर जो हम जो भी लॉज बने हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो उसके आत्मा के अगेंस्ट में हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के स्प्रिट को लाइक कोई भी लॉज जो है वो लाइक अटैक करता है तो डेफिनेटली ये पावर है हमारे जुडिशन को हमारे जुडिशरी को कि जुडिशरी जो है वो उसको नल कर दे और साथ ही साथ हमारा जो जो जु, जुडिशियरी जु, 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 है वो जुडिशरी जो है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फन उसको प्रोटेक्ट भी करता है इम्पार्शल इस वे में भी है कि जो जुडिश जो जुडिशियरी है जो हमारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं और जो मुख्य न्यायाधीश है उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं कि वो उनको रिमूव भी कर सकता है तो इस तरह से जो है प्रोटेक्शन प्राप्त है जुडिशरी को कि कॉन्स्टिट्यूशन के इससे कि कोई भी उनके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता कोई भी उनके ऊपर एक तरह का क्या कहना चाहिए प्रेस नहीं डाल सकता इसलिए वो इंपार्शल होकर भी कार्य कर पाते हैं नेक्स्ट है इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है वो कठोर भी है साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज बने हुए हैं उन लॉज में अगर अमेंडमेंट करना होता है तो उस अमेंडमेंट को करने मतलब लागू होने बहुत इजीली लागू हो गया और फ्लेक्सिबल भी है वो लेकिन ये दोनों चीज़ें मिक्स हम क्यों कह रहे हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कोई में कोई चेंज करना होता है अमेंडमेंट करना होता है कोई सुधार करना होता है तो हमको एक पर्टिकुलर जब कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेम्बर्स चाहिए हैं उसको उसमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेसिफ़िक मेजोरिटी चाहिए तब अब कुछ जो लॉज हैं तो उनमें चेंज आ सकता है कुछ आर्टिकल्स में चेंज तभी आएगा जबकि हमको स्पेसिफिक मेजोरिटी चाहिए लेकिन कुछ जो हमारे आर्टिकल्स हैं कुछ जो हमारे लॉज हैं उनमें चेंज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाता है तो इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों ही रूप में है वो मिक्स है